लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। जिस तरह के माहौल, राजनीतिक माहौल में हम अभी जा रहे हैं और महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर करने के प्रयास बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुए हैं, इसके पृष्ठभूमि का आकलन करना बहुत ही आवश्यक है। निश्चित तौर पर इस देश में जितने भी विपक्षों की सरकार हैं उनको अस्थिर करने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने की कोशिश हुई, कोरोना का भी ध्यान नहीं रखा गया। राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के जिस तरह से प्रयास हुए वो भी हमने देखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का षड्यंत्र कर सकती है। केंद्रीय यंत्रणाओं जो है, तपास या जो जांच या एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग होता है, उनके माध्यम से दबाव लाया जाता है, अधिकारियों के ऊपर दबाव लाया जाता है, सबोटाज किया जाता है। हमने देखा है कि यूपीए के वक्त में किस तरह की विनोद राय जैसी प्रवृत्तियां थी वो भी हमने देखी है। जब आघाड़ी सरकार थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाराष्ट्र में, तो सत्यपाल सिंह किस तरह से जो पुलिस आयुक्त थे वो किस तरह से भाजपा में शामिल हुए वो भी हमने देखा है, वो भी गौर देखा है। तो ये कुछ नया नहीं है। दूसरी ओर गोदी मीडिया जो मोदी सरकार के एजेंडा पे काम करती है, एक पूरी तरह से देश भर में माहौल तैयार करने का, प्रोपोगंडा तैयार करने का और विपक्ष की सरकारों को बदनाम करने का प्रयास करती है। आज मैं दिन भर से जो न्यूज देख रहा था, एक तरफा न्याय व्यवस्था तैयार हो चुकी है, न्याय दे दिया जा चुका है। तो हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश में प्रशासकीय अधिकारियों ने पत्र लिखकर बातें रखना या सरकार के खिलाफ बोलना ये पहली बार किया है? इस देश में हुआ नहीं है क्या? गुजरात में डीजी बंजारा ने किसको खत लिखा था और उस खत में क्या लिखा था? उसमें तो उस वक्त उन्होंने तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री अमित भाई शाह के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए थे। तब अमित भाई शाह ने तो इस्तीफा नहीं दिया था और उसमें तो इतना कहा गया था कि जिस 2002 से वंजारा जी देख रहे हैं कि अमित भाई शाह के माध्यम से पुलिस व्यवस्था के ऊपर पूरी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है और वो अपना ही जिनके लिए गड्ढा खोदने जा रहे हैं उसमें खुद गिर गए हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग उसमें वक्त में हुआ था। ना अमित शाह ने इस्तीफा दिया और उसके बाद में वंजारा जी को रिटायर होने के बाद भी रीइंस्टेट किया गया। तो अगर जब रीइंस्टेट गुजरात की सरकार करती है तो क्या जो वंजारा जी ने कहा था वो सत्य था? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बता रहे इसके बारे में, अपना टिप्पणी दे रहे हैं? दूसरी ओर संजीव भट्ट जी ने तो सीधा तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाए थे, तो मोदी जी ने इस्तीफा दिया था, तो इसका भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी ओर निश्चित तौर पर ये जो पत्र लिखकर एक भूमिका तैयार करने की कोशिश देश भर में हो रही है, तो इसके दो भाग हैं जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और जनता का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित करने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता हमने आयोजित की है। ये खत लिखने वाले की मानसिकता क्या है आप इसको भी समझना होगा। जिनके ऊपर खुद आरोप है, जिनके ऊपर जांच एजेंसियों का जो जिस तरह से वो जांच कर रही है उनका रुख है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की आशंका है। दूसरी ओर इनके नजदीकी व्यक्ति के ऊपर एनआईए ने कार्रवाई की है, वो अरेस्ट में है, वो उनके ऊपर संगीन जुर्म डाले गए हैं। तो और तीसरा भाग इसका जो है कि इनको इनकी ट्रांसफर की गई है सरकार ने, और सरकार ने ये पूरी तरह से स्पष्ट किया था कि ये कार्रवाई हो रही है क्योंकि इनके माध्यम से बहुत ही गंभीर ऐसे कुछ प्रकार हुए हैं, ऐसी जानकारी सरकार को है। तो निश्चित तौर पर इनकी मानसिकता को हमको देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उस पत्र में क्या लिखा है ये तथ्यों के बारे में भी जानना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उन्होंने आरोप किया है कि डांस बार से पैसे वसूल करने का एक बड़ा षड्यंत्र था। पहले तो कोविड के वजह से डांस बार गए साल भर में बंद है। दूसरी ओर अगर ये संभाषण किसी ने करने की कोशिश की भी होती तो एक साल पहले करते। 25 तारीख के एंटेलिया की जब घटना हुई फरवरी को, उसके बाद करने के लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही सामान्य बुद्धि का आदमी ही ऐसा कर सकता है।
ये हो नहीं सकता। दूसरी ओर इनका कहना है कि फरवरी महीने में संजय वाजे आके गृहमंत्री जी से मिले, तो हमको ये भी देखना होगा कि उस फरवरी महीने में मैंने खुद यहां से ही दो बार गृहमंत्री जी से जूम से वार्ता की थी। एक सेलिब्रिटीज के ट्वीट के बारे में जब हमने कंप्लेंट की थी, और उसके बाद में जो डेलकर जी के प्रकरण में मैंने कंप्लेंट की थी तभी, क्योंकि वो कोरोना से हॉस्पिटल में थे फरवरी महीने में। तो इसको भी देखना पड़ेगा। और तीसरी बात कि अगर फरवरी महीने में इनको मालूम था कि सचिन वाजे ये गृहमंत्री से मिला है, तो क्या कमिश्नर के अहदे के तहत इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उसी वक्त वो बोलते? वो क्यों नहीं बोले, एक डेढ़ महीना चुप क्यों रहे? इसका भी तो जवाब मिलना पड़ेगा, और ये माध्यमों को भी लेना पड़ेगा इनसे, क्योंकि न्याय व्यवस्था चल रही है पूरी तरह से। और जो एसएमएस के प्रूफ दिए जा रहे हैं वो 16 तारीख को दिए जा रहे हैं, 16 तारीख के प्रूफ है। आप तो कमिश्नर हैं, आप तो अधिकारी को कभी बुला सकते थे 17 तारीख से, जो फरवरी महीने से मार्च महीने तक, क्यों नहीं बुलाया आपने? क्यों नहीं बयान करवाया? क्यों नहीं कार्रवाई की? 17 तारीख को आपके ऊपर कार्रवाई होने की आशंका आपको थी, इसी वजह से 16 तारीख को ये आपने करने का प्रयास किया, ये भी तो तर्क निकाला जा सकता है। तो क्या ऐसी व्यक्ति की खुद जिम्मेदारी निभा रही या नहीं निभा रही? वो खुद ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। दूसरी ओर वो पत्र में बाकायदा एक शब्द आया, अर्जेंट प्लीज, वो एसएमएस की जो प्रूफ में, ये चिल्ला चिल्ला कर ये शब्द कह रहा है, सत्य क्या है, क्यों कर किया जाए ये शब्द का प्रयोग, ये अर्जेंट प्लीज करने की, ये शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका भी तो जवाब मिलना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस नजर आ रहा है तैयार करने की कोशिश। सबसे अहम बात यह है कि कल एटीएस ने सचिन वाजे की कस्टडी लेने का प्रयास किया न्यायालय में, और उसी वक्त में एनआईए ने पूरी जो जांच है अपने ताबे में ले ली है। क्यों नहीं देना चाहते थे सचिन वाजे की कस्टडी एटीएस को? क्या इसके पीछे मंशा थी? इसका भी तो जवाब मिलना पड़ेगा। दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे अहम प्रश्न है कि जैश उल हिंद नाम ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दहशतगर्दी करने का उनके ऊपर आरोप रहता है, इस नाम का उपयोग करके तिहार जेल से किस तरह से ईमेल आया था, वो मोबाइल कैसे पहुंचे अंदर, 56 इंच की छाती की सरकार के नाक के नीचे कैसे ये हो सकता है, इसका भी तो जवाब मिलना बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर दिखाई देता है कि ये सरकार को अस्थिर करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भाजपा के नेताओं को पहले जानकारी मिल जाती है और बाद में एक स्क्रिप्ट के तहत वो आगे बढ़कर आते हैं, बाइट देते हैं, तो ये जानकारी पहले कैसे मिल जाती है, इसका भी जवाब मिलना पड़ेगा। क्या ये स्क्रिप्ट चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि तीनों पार्टियों ने जो सरकार चलाई उसका अभी उद्देश्य अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, इसी वजह से तीन पार्टी विचारधारा में अलगाव होने के बावजूद एक साथ आई, तो ये उद्देश्य जब तक सफल नहीं होता तब तक डट के रहना पड़ेगा। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो षड्यंत्र करती है इसका सामना भी करना पड़ेगा। ये जो पत्र है जो आपके सामने आया है, इसमें एक और एक मुद्दा गंभीर है कि मोहन देलकर जी की आत्महत्या मुंबई में हुई, और ये अधिकारी कह रहे हैं कि गृह मंत्री यानी सरकार इस तरह का दबाव ला रही है कि वो केस यही रजिस्टर हो, यही इसकी जांच हो। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दादरा नगर हवेली की पुलिस ने जांच करना चाहिए था, ऐसा कोई पुलिस बोल सकता है? अपनी जिम्मेदारी टाल सकता है? दूसरी ओर सीआरपीसी के तहत ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जहां घटना होती है, जहां क्राइम होता है, वही की पुलिस इसकी जांच करती है, वही का मैजिस्ट्रेट उसका निर्णय देता है। तो ये उल्टी गंगा क्यों बहाने की कोशिश हो रही थी? क्या दबाव था? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दो दो मापदंड होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, एक वंजारा जी के वक्त में उस लेटर के ऊपर कोई इस्तीफा नहीं दिया गया था, ना संजीव भट्ट के लेटर के ऊपर इस्तीफा दिया गया, ना ये सुसाइड मोहन देलकर जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम लिया है। क्या उनका इस्तीफा मांगा गया?
बाकायदा देलकर जी ने दो खत नरेंद्र मोदी जी को लिखे हैं, दो खत अमित शाह जी को लिखे हैं, तीन खत लोकसभा के सभापति ओम बिरला जी को लिखे हैं, कोई उनके मदद के लिए नहीं आया। प्रिविलेज कमिटी में वो जाके चिल्ला रहे थे, कोई मदद नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव इस माध्यम से ही देलकर के इसकी जांच का, और इसी वजह से ये षड्यंत्र रचाने की कोशिश हो रही है, ऐसा हमारा मानना है।